शहनाज कौरगिल को इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सरनाज और शहनाजियन से हैं तो यकीनन ये खबर आपको जाकर रख देने वाला है, क्योंकि इस वक्त शहनाज कौरगिल को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इन्फॉर्मेशन आ रही है कि शहनाज कौरगिल जो है अपने शूट में काफी ज्यादा व्यस्त चल रही है आजकल, जिसकी वजह से उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती नजर आई। और अब आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल को फूड पॉइजनिंग हुई है, जिसकी वजह से शहनाज कौरगिल को हॉस्पिटलाइज किया गया है। इन्फॉर्मेशन आ रही है कि मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में इस वक्त शहनाज कौरगिल को एडमिट करवाया गया और वहां से डिस्चार्ज करके शहनाज कौरगिल को जो है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में सीक्रेटली तरीके से एडमिट करवाया गया है, जहां पर फैंस को जिसके बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है। तो दोस्तों, अगर आप भी शहनाजियंस है तो गेट वेल सून कॉमेंट में जरूर बताएगा। बता दें कि शहनाज कौरगिल ने क्लिप वायरल किया है, जिसमें शहनाज कौरगिल का ये कहना है कि उन्होंने कुछ उल्टा खा लिया था, जिसकी वजह से उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है और वो बहुत ही जल्द एक बार होकर फैंस के साथ एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगी और फैंस को एक नया सरप्राइज देंगी। तो दोस्तों, क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट के बारे में आपको, कमेंट के जरिए अपनी राय शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल नॉलेज ट्विस्ट का सब्सक्रिप्शन फ्री है और लगातार हम शहनाज कौरगिल के बारे में हर छोटी बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को स्किप ना करें। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाई है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। हमें अपने कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।